हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एब्जॉर्प्शंस और डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस। सो एब्जॉर्प्शंस से क्या क्या मैकेनिज्म है हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शंस का, जो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शंस को अफेक्ट करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स के बारे में। हमारे ड्रग्स की फिजिको केमिकल मतलब फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो अफेक्ट कर सकती है हमारे एब्जॉर्प्शंस को, किस तरह से अफेक्ट कर सकती है वो बात करते हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट्स का। फिजिकल स्टेट्स मतलब जो ड्रग्स का सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है कि गैसियस फॉर्म में है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन का। ड्रग लिक्विड फॉर्म रहेगा ड्रग्स का वो बेटर एब्जॉर्ब होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग्स का। जैसे कि मैं अगर बोलूँगा कि टेबलेट्स भी देना है और उसको ये वो सिरप्स भी देना है तो सीरप्स का एक्शन जल्दी आएगा, क्योंकि सीरप जल्दी एब्जॉर्ब होगा एज कम्पेयर टू द टेबलेट्स, क्योंकि टेबलेट्स पहले डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिजॉल्व होगा, फिर अपना एक्शन शो करेगा, और जो सीरप्स हैं वो डायरेक्ट सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन फॉर्म में जाके वो एब्जॉर्ब होगा। इसलिए जो सॉलिड और लिक्विड जो ड्रग्स है उसके एब्जॉर्प्शन पैटर्न को वेरी करेंगे। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज। सो पार्टिकल साइज जब ड्रग कैसे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि जो स्मॉलर पार्टिकल साइज होगी ड्रग्स का वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा एज कम्पेयर टू द लार्जर पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि जो स्मॉलर पार्टिकल साइज अब ड्रग होंगी वो जल्दी डिजॉल्व होंगी, जल्दी डिजॉल्व होगा तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। इसलिए जो स्मॉलर पार्टिकल्स है एज कम्पेयर टू लार्ज पार्टिकल्स उसे जल्दी एब्जॉर्ब होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैक्रोफाइन एस्पिरिन डिजोक्सिन एंड ग्रीसियोफलविन आर वेर एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट एंड प्रोड्यूस बेटर इफेक्ट। जो माइक्रोफाइन मतलब पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर दिया जाता है उसी को माइक्रोफाइन बोला जाता है। नेक्स्ट है लिपिड सोल्युबिलिटी। हमारा जो मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा है, वो फास्फोलिपिड है, मतलब उसका जो मेम्ब्रेन का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो लिपिड है। अगर हमारा जो ड्रग है वो इस लिपिड में सोल्यूबल होगा तो ईजिली हमारा जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्रॉस करेगा। इसलिए जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज सोल्यूबल इन लिपिड। जो बेसिकली जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो ड्रग्स रहते हैं वो लिपिड में सोल्यूबल्स होते हैं। सो जो अगर ड्रग जो है वो लिपिड सोल्यूबल सोल्यूबिलिटी शो कर रही है सो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा शो करेगा। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन मतलब टाइम मतलब क्या होता है, जो ड्रग मतलब टेबलेट लिए हम लोग, टेबलेट लेने के बाद वो टेबलेट गया स्टमक में जाने के बाद टेबलेट ऐसे कैसे नहीं रहेगा कि यहाँ पे जाने के बाद छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना ही डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। सो जो डिसइंटीग्रेशन टाइम जिस ड्रग का सबसे ज़्यादा रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन बहुत लेट से होगा, और डिसइंटीग्रेशन टाइम जिस ड्रग का कम रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, क्योंकि जिस ड्रग का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा उसका बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, उसके एक्शन वो ज़्यादा शो करेगा। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन टाइम। जिस तरह डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है उसी तरह डिसोल्यूशन टाइम भी होता है। डिसोल्यूशन मतलब जो ड्रग होता है डिसइंटीग्रेट होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा रहता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब जो जीआई में जो सॉल्यूशंस होता है उसमें कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, उस चीज़ को बोला जाता है डिसोल्यूशन टाइम। सो ड्रग जितना टाइम डिसोल्यूशन में लेगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही स्लो होगा, जो जल्दी डिसॉल्व होगा उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। इसलिए जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है या फिर डिसोल्यूशन टाइम है एब्जॉर्प्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। यहाँ पे लिखा है शॉर्टर द टाइम बेटर द एब्जॉर्प्शन, जो जितना जल्दी डिसॉल्व होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा। नेक्स्ट है फार्मुलेशंस। फार्मुलेशंस मतलब मेनली हम लोग जो अगर टेबलेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसका एक्सीपिएंट्स लाइक लैक्टोज स्टार्च कैल्शियम फास्फेट गम, इसको बोला जाता है मेनली बोला जाता है ये इनर्ट होते हैं, लेकिन
आमतौर पर ये कम्प्लीटली इनर्ट नहीं होते हैं। ये जो एक्सीपिएंट्स लेते हैं उसमें कुछ ड्रग्स होता है वो किसी किसी ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। जैसे कि एग्जांपल की ये बात करूँ मैं, कैल्शियम जो होता है वो टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, क्योंकि कैल्शियम एक डाइवेलेंट है, तो एक डाइवेलेंट कंपाउंड है, तो डाइवेलेंट कंपाउंड है वो एक अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म कॉज करता है टेट्रासाइक्लिन के साथ रिएक्ट करके। इसलिए जो कैल्शियम होता है वो टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं लिया जाता है, या फिर मिल्कर वाला कंपाउंड टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हमने लास्ट वीडियो में रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को। जैसे कि अगर किसी ड्रग को मैं इंट्रावेनसली दे रहा हूँ तो वो जो स्टमक है या फिर लीवर है या जीआई रूट को बाईपास करता है, वो डायरेक्ट जा रहा है ब्लड में, इसलिए वो 100% एब्जॉर्ब होगा, इसका एब्जॉर्प्शन 100% हो रहा है, इसलिए इसका एक्शन भी बहुत फास्ट होगा। वहीं जो किसी बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं वो जीआई एसिड में डिग्रेड हो जाते हैं, उसको हम लोग जीआई नहीं दे सकते, उसको ओ टेबलेट नहीं दे सकते, उसको पेरेंटरली देना पड़ता है। सो ड्रग रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक मेजर फैक्टर होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट है पीएच एंड आयोनाइजेशंस। हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, ड्रग को एडमिनिस्टर कराने के बाद, ड्रग सॉल्यूशन में जाने के बाद, जो हमको मेनली जो ड्रग है वो हमको अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चाहिए, क्योंकि जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है वो लिपिड सोल्युबिलिटी शो करता है, और जो लिपिड सोल्युबल ड्रग होता है वो इजिली एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर ड्रग आयोनाइज हो जा रहा है सॉल्यूशंस में, तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगा। सो आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन डिपेंड करता है मेनली पीएच के ऊपर। सो मेन जो वीकली एसिडिक ड्रग होते हैं जिसका पीकेए 8 से ज़्यादा होता है, और जो वीकली बेसिक ड्रग होते हैं जिसका पीकेए 5 से कम होता है, ये ड्रग किसी भी पीएच पे अनआयोनाइज्ड रहते हैं, चाहे वो इंटेस्टाइनल पीएच पे हो, चाहे वो स्टमक पीएच पे हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, सारे के सारे पीएच पर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। इसलिए ये ड्रग्स कहीं भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, स्टमक में भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसलिए इन ड्रग ये जो ड्रग है इनका एब्जॉर्प्शन होता है वो पीएच इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि वीकली बेसिक ड्रग एसिडिक ड्रग के बारे में मैं बात करूँ तो फेरिटोइन इसोसुक्सिमाइड है, और वीकली बेसिक ड्रग के बारे में बात करूँ तो कैफीन थियोफाइरिन, ये वेरी वीक बेसिक ड्रग है। उसी तरह जो वीक एसिडिक ड्रग होता है जिनका पी के ए 2.5 to 7.5 होता है, और वीक बेसिक ड्रग है जिनका पी के ए 5 to 11 होता है, ये ड्रग ग्रेटली अफेक्ट होते हैं पीएच चेंज होने से। इनका आयोनाइजेशन या अनआयोनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो पीएच चेंज होने पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है, इसलिए इन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो पीएच डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल की लिए बात करूँ, एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन वीक एसिडिक ड्रग हैं, उसी तरह रिसर्पिन और कोडिन जो ड्रग हैं वो वीक बेसिक ड्रग हैं। उसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड जिनका पी के ए 2.5 से भी कम होते हैं, और या फिर स्ट्रॉन्ग बेस जिनका पी के ए 11 से भी ज़्यादा होता है, ये सारे के सारे ड्रग्स गैस्ट्रिक के किसी भी पीएच पे, जीआई के किसी भी पीएच पे आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। इसलिए ये ड्रग्स या तो एब्जॉर्ब नहीं बिल्कुल नहीं होंगे होते हैं, या फिर थोड़ा सा इनका एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें मेनली जो ड्रग्स हैं क्रोमाइलिन सोडियम या फिर मेकामाइलामिन ये आते हैं। अगला फैक्टर्स है फूड। फूड जो हमारे स्टमक में अगर प्रेजेंट रहेगा सो वो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो फूड कुछ जो फूड होते हैं वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और वही कुछ जो फूड होते हैं वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फूड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिफाम्पिसिन और लिवोडोपा, जो है जो जो ड्रग्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है फूड के प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए इनको एम्प्टी स्टमक में प्रिफर किया जाता है। उसी तरह मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के प्रेजेंस में टेट्रासाइक्लिन्स का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। मैंने अभी बताया कि वो डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट कंपाउंड के साथ या नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि
जो फैटी मील्स होते हैं, मतलब जिनमें ऑयल ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, वो ग्लिसरोफिलविन एक ड्रग्स होता है, इनके इसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट ऑफ द अदर ड्रग्स कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किसी दो ड्रग्स को एक साथ लिया जाता है, दो या दो से अधिक ड्रग को एक साथ लिया जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशंस। इस कंडीशंस में जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, जैसे कि लिए बात करूँ मैं, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो ओरल आयरन, मतलब जो आयरन्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है इसको एक साथ अगर दिया जाए तो। उसी तरह अगर एंटासिड्स जो होता है उसको टेट्रासाइक्लिन के साथ दिया जाता है तो वो टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है फार्माकोजेनेमिक जेनेटिक फैक्टर। फार्माकोजेनेटिक मतलब जो जेनेटिक, मतलब जो जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीन, किसी जीन का, जीन के वजह से कुछ डिफेक्ट आ जाता है उसको बोलते हैं फार्माकोजेनेटिक फैक्टर। सो फार्माकोजेनेटिक फैक्टर भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिफेक्ट अफेक्ट करता है। जैसे कि किसी को पर्सिनियस एनीमिया है, मतलब एनीमिया तो एक जेनेटिक डिजीज है, तो पर्सिनियस एनीमिया के केस में जो एक विटामिन B12 को अब्जॉर्ब करने वाला इंट्रेंसिक फैक्टर्स, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 के बारे में, सो उसमें हो ये हो क्या होता है, B12 जो होता है वो एक इंट्रेंसिक फैक्टर्स के साथ पहले कंबाइन होता है, और इंट्रेंसिक फैक्टर्स के साथ कंबाइन होने के बाद फिर वो कैरियर से कंबाइन होता है, और कैरियर से कंबाइन होने के बाद फिर वो मेम्ब्रेन से पास होता है। पर्सिनियस एनीमिया के केस में इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं रहता है, सो इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं बन पाता है, इसके वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस। मेनली जो सरफेस एरिया होता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लार्जर सरफेस एरिया है हायर डिजॉल्यूशन रेट। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो डिजॉल्यूशन रेट ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ड्रग्स के पार्टिकल साइज को रिड्यूस किया जाता है। सो पार्टिकल साइज कम होगी ड्रग्स का तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिर ड्रग का डिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, और ड्रग का डिजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो फिर ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। नॉर्मली ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज द लार्ज सरफेस, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसका एरिया होता है काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है ड्रग्स का एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए वहाँ पे जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। रिसेक्शन ऑफ द गट डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स ड्यू टू रिडक्शन ऑफ द सरफेस एरिया। अगर हम लोग किसी तरीके से अगर जो हमारा जो गट और इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को कम कर देते हैं तो फिर ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस होगा। सो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, कुछ डिक्रीज करता है कुछ इंक्रीज करता है। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।